नमस्कार। आज कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 हम शुरू करने जा रहे हैं। इसका प्रथम प्रश्न है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है। हमें देखना है कि क्या यह एक द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो याद रखना होगा कि द्विघात समीकरण होती क्या है। जो द्विघात समीकरण है वह ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इस फॉर्म की होती है। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, हम इसे दोबारा भी लिखेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। देखिए, यह है एक्स प्लस वन होल स्क्वेयर, जो कि हो गया ए प्लस बी होल स्क्वेयर, है ना। और आपको पता है कि ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस 2 × a × b, 2 × x 2x × 1 × 2x प्लस बी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर होगा 1 बराबर, यहाँ पर ये नंबर इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा, तो 2 × x हो गया 2x माइनस 2 × 3 हो गया 6। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों रकमों को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे ताकि राइट साइड पे बच जाए बराबर 0। देखो कैसे, एक्स स्क्वेयर ये है प्लस 2x प्लस 1, ये 2x यहाँ पर बराबर के इधर राइट साइड पर प्लस का है, जब ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी प्रकार से ये माइनस 6 है, जब ये उधर जाएगा तो बराबर के उधर जाएगा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा प्लस 6 बराबर। राइट साइड से 2x भी उधर चला गया, माइनस 6 भी उधर चला गया, कुछ नहीं बचा, इसका मतलब हमारे पास बचा 0। अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखिए ध्यान से, ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, ये प्लस 2x और माइनस 2x आपस में कट जाएंगे, कट जाएंगे तो हमारे पास बच जाएगा एक्स स्क्वेयर, 2x 2x कट गया, बाकी रह गया प्लस 1 प्लस 6, 1 + 6 होता है प्लस 7 बराबर 0। अब हमें इसको मिलाना है इसके साथ, क्या यह ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वाली रकम तो है, जैसे यहाँ एक्स स्क्वेयर है, यहाँ भी एक्स स्क्वेयर है, लेकिन यहाँ एक्स वाली रकम है लेकिन यहाँ एक्स वाली रकम नहीं है, तो यह इस फॉर्म का नहीं हुआ। नहीं बच्चों, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा कि एक्स स्क्वेयर प्लस 7 को हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वेयर प्लस एक्स का स्क्वेयर, इसका कोई गुणांक नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं, 1x² प्लस यहाँ है प्लस 7 बराबर 0, ये तो हमें दिया ही हुआ है। एक्स वाली कोई रकम नहीं है, इसका मतलब वो है 0 × x, यानी एक्स का गुणांक है 0, क्योंकि 0 × x हो जाएगा 0। ठीक है, तो यानी एक्स स्क्वेयर प्लस 7 बराबर 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1x² प्लस एक्स वाली रकम यहाँ नहीं है तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 × x प्लस 7 बराबर 0। ठीक है बच्चों, तो इसे जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से मिलाएंगे तो ये देखो एक जैसी लगती है, एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसलिए हम क्या कहेंगे, अतः दी गई या आप सिंपल शब्दों में लिखिए, यह एक द्विघात समीकरण है, यह एक द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, हमें बस सभी प्रश्नों में यही, सभी भागों में यही देखना है कि क्या यह एक इस प्रकार से ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जैसी कोई इक्वेशन बनती है। यदि बनती है तो यह एक द्विघात समीकरण है, यदि नहीं बनती तो नहीं है। एक बात और इसमें याद रखना बच्चों कि एक्स स्क्वेयर के साथ 0, जैसे हमने एक्स के साथ एक्स वाली रकम नहीं थी तो एक्स के साथ 0 लगाया, लेकिन एक्स स्क्वेयर के साथ जो ए है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये चीज 0 हो जाएगी तो यह द्विघात नहीं रहेगी, यह रैखिक समीकरण बन जाएगी। द्विघात समीकरण के लिए यह जरूरी है
कि एक्स स्क्वेयर के साथ वाला गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि समीकरण में एक्स स्क्वेयर वाली रकम जरूर होनी चाहिए, एक्स वाली चाहे ना हो, ये बिना एक्स वाली चाहे ना हो, लेकिन एक्स स्क्वेयर वाली रकम जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात, एक्स की कोई भी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा, ये पहला भाग इसका आपको समझ आया होगा। मेरे बाकी भाग देखने के लिए आप मेरे बाकी वीडियोस को चैनल से देख सकते हैं। धन्यवाद।